कॉल कनेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे जो है हमारी जो है जियो पेमेंट बैंक के जो केवाईसी वाले अधिकारी होंगे उनसे बात होगी, तो ऐसे हमको जो है उनसे बात करनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अगर भाई आप भी इस प्रॉब्लम में है कि आपके जियो पेमेंट बैंक की भाई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अकाउंट तो बना लिया है, अकाउंट बनाने के बाद आप उससे जो है ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं, यूपीआई एप्लीकेशन से कनेक्टेड करना चाह रहे हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इनसे, पर आपका कनेक्ट भी हो गया है, पर आप जो है उसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए, जब आपने अकाउंट बनाया होगा यहाँ पर जियो फाइनेंस वाली एप्लीकेशन पर आकर, तो आपने यहाँ पर अपने पैन कार्ड से, आधार कार्ड से इसको जो है वेरीफाई किया होगा। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो एक बार जब केवाईसी करोगे तो आप वहां से उसको जो है अपने ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड से उसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद बारी आएगी भाई वीडियो केवाईसी की। तो वीडियो केवाईसी आपको देखिए कैसे करनी है, आप जो है उसे माई जियो एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा जियो फाइनेंस की जो एप्लीकेशन है, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे अपना एम पिन डाल के, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आप जियो पेमेंट बैंक का जो है अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक भी लगा दिया, और ये वाली वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो पर जाकर पहले आप अकाउंट बना लेना, और उसके बाद अगर आपकी केवाईसी नहीं होती है तो इस वीडियो को देखकर अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेना। देखिए, जैसे आप यहां पर आ गए, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने यहां पर आ गया, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, देखिए थोड़ा जो है नीचे स्क्रॉल करोगे आप ऐसे, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपको जो है अपनी केवाईसी यहां से कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर जो है आपको नीचे शो हो रहा है यहां पर बैंक वाला सेक्शन, तो आप बैंक वाले सेक्शन में आ जाओ। अब यहां पर आओगे तो यहां पर फिर आपको जो है अपना एम पिन डालना है या आपका फिंगरप्रिंट जो भी है वो आपको यहां से दे देना है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस यानी कि सेविंग बैंक का आपका जो है पेज ओपन हो जाएगा। देखिए माय अकाउंट, यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा, एड मनी आ जाएगा, पे आ जाएगा, मतलब अगर केवाईसी कंप्लीट है तो सब कुछ आप कर पाओगे। यहाँ से आप जो है स्वीप अकाउंट भी कर पाओगे, मतलब अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है। देखिए ये हो गया, और यहाँ पर आपको दिखा देगा कि ये आपका यहाँ पर जो है वर्चुअल डेबिट कार्ड है, तो ये भी आपको बता दूंगा कैसे आपको जो है इसका सीवीवी वगैरह देखना है, नंबर देखना है, डेट एक्सपायरी देखना है। यहाँ से आप इसको जो है व्यू कार्ड करके अपना कार्ड भी देख सकते हैं, पर अभी आप जो है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आपकी केवाईसी नहीं हुआ। तो देखिए केवाईसी करने के लिए आपको यहीं पर थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है हैव यू कंप्लीटेड योर वीडियो केवाईसी, या तो हमें कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा भाई नीचे प्रोसीड का। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो एक बार एप्लीकेशन को जो है अपडेट कर लेना, और फिर जो है अगर अपडेट भी कर लिया तब भी नहीं आ रहा है तो एक बार अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर आप अपना पैन कार्ड और जो है आधार कार्ड वेरीफाई कर लेना, उसके बाद आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, फिर आपको करना है यहाँ से भाई प्रोसीड। अब जैसे ही आप यहां से प्रोसीड करोगे तो आपकी केवाईसी का जो है पेज यहां से ओपन हो जाएगा। ये देखिए जियो पेमेंट बैंक वेलकम ओपन योर जो है वीडियो केवाईसी एज इन्फॉर्मेशन शेयर्ड अंडर द एप्लीकेशन नंबर, यहां पर आपका जो है नंबर भी आ गया, और यहां पर ये देखिए आ गया स्टार्ट कॉल विद जो है एजेंट, ये आ गया देखिए नाउ एंड लेटर। तो हमें तो अभी कंप्लीट करनी है, यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, यूज ए फ्रंट फेसिंग कैमरा, बी इन वेल एनवायरमेंट, कीप ओरिजिनल पैन कार्ड, यहाँ पर इसने बता दिया आपको अपना पैन कार्ड रखना है ओरिजिनल, यूज ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, टैप हियर टू नो न्यू के वीडियो केवाईसी वर्क्स। तो ये हो गया सब कुछ, सारी डिटेल आ गई, अब हमें करनी है अपनी वीडियो केवाईसी। तो देखिए आपको वीडियो केवाईसी कैसे करनी है, आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है। देखिए तो देखिए आपको यहाँ पर नाउ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर परमिशन जो है अलाउ कर देनी है, ये परमिशन अलाउ कर दी, फिर से आपको यहाँ पर परमिशन को जो है ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ का ये लोकेशन कहेगा, इसको भी आप टर्न ऑन कर दो, जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उसका सामने वाले का। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमारे सामने एजेंट आएगा, जो है जियो वाला पेमेंट बैंक का एजेंट आ जाएगा। ऐसे ऐसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि इतने टाइम में आपसे एजेंट जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ उससे जो है हमारी कैसे कॉल पर क्या बात करनी है। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो है कॉल जो है कनेक्ट हो रही है, और ये कॉल कनेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे जो है हमारी जो है जियो पेमेंट बैंक के जो केवाईसी वाले अधिकारी होंगे उनसे बात होगी, तो ऐसे हमको जो है उनसे बात करनी है। वो कहेंगे आप यहाँ पर जो है पूरा पता, नाम पता बताएंगे, अपना जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएंगे, और अब कहेंगे कि आप अपना जो है यहाँ पर अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ। तो ऐसे हमें जो है उन्हें अपना ओरिजिनल पैन कार्ड जो है दिखा देना है, जो पैन कार्ड हमने केवाईसी में यूज़ किया है। अब वो कुछ जो है यहाँ पर एक नंबर बताएंगे कि स्क्रीन पर एक नंबर आएगा, वो हमें आप जो है पढ़कर बताना, जो भी नंबर होगा आपको, जो अगर 333 या 444 है तो ऐसे नहीं बोलना कि 333 444, आपको जो है एक एक बोलना है, जैसे 4411। और वो कहेगा कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में, तो आपको जो भी लैंग्वेज आपको सही लगे वो आप जो है बता देना। और ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पर एक OTP आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो हमें जो है उनको बताना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर आया 267681, ऐसे जो है हमें ये OTP उनको बता देना है, जो भी यहाँ पर OTP आएगा। तो उसके बाद वो जो है कहेगा कि आपका जो है वीडियो का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और वो बता देगा कितने दिनों के बाद जो है आपको यहाँ पर, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 10 घंटे या 20 घंटे, जो भी टाइम लगेगा
वो आपको यहाँ पर जो है सजेस्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर बता दिया, उसके बाद आ गया ये देखिए यहाँ पर जो है जो जो ये पूछ रहा है नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। फिर कहेगा कि आप जो है आपका बैक कैमरा ऑन करेंगे और उसमें जो है आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है। तो यहाँ पर हमें जो है अपना पैन कार्ड दिखाना है, जैसे वो बैक कैमरा जो है यहाँ पर ऑन करेगा और एक जो है सेल्फी लेगा। देखिए ऐसी सेल्फी आपको जो है दे देनी है, मतलब केवाईसी में एक सेल्फी भी लेगा आपकी। इसके बाद वो आपका जो है पैन कार्ड की एक फोटो लेगा पीछे से, पीछे का बैक कैमरा ऑन करके। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कैप्चर सेल्फी जो है कैप्चर हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर जो है बैक कैमरे में हमें अपना पैन कार्ड जो है दिखाना है। देखिए ऐसे जो है यहाँ पर दिखा देना है अपना पैन कार्ड। तो इस तरह से पैन कार्ड को रख देना है अच्छी से, जहाँ से रीडेबल हो सारी डिटेल, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर ये कैप्चर हो रहा है, देखिए होल्ड योर पैन कार्ड ऐसे लिखा हुआ भी आएगा सब कुछ नीचे। तो आपको ऐसे ऐसे कर देना है यहाँ पर जो है, इस तरह से आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। बंदा आपको कह देगा कि आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर जो है कॉल भी जो है बंद हो जाएगी, अब ये कह देगा कि आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीटेड। देखिए भाई अब जो है केवाईसी हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है। देखिए लिखा हुआ गया वीडियो केवाईसी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो देखो फ्रेंड इस तरह से आपको जो है अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। जो जो भी आपसे एजेंट पूछेगा, आपका पैन कार्ड आपको दिखाना है, उसके डिजिट पढ़ने हैं, जो भी आपको जो है एक ओटीपी आएगा उसके डिजिट आपको पढ़ने हैं, सब कुछ आपको करेक्ट पढ़ना है। और आपको जो है अपना उसका जो है बैक कैमरे में आपका पैन कार्ड आपको दिखा देना है, मतलब इस तरह से आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पर आगे देखिए वीडियो केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुली आपको दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं थोड़ा बैक में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर ली। अब जब हम दोबारा से इस पेज पर आते हैं तो फिर से यहाँ पर आपको शो हो रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर वीडियो केवाईसी। ये देखिए यहाँ पर आ गया और फिर से आ गया प्रोसीड। तो एक बार प्रोसीड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया वेलकम टू जियो, पुराने वाला ही जो है प्रोसीजर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन नंबर, ये वेरिफिकेशन में टेक अप टू 2-3 डेज, वी विल लेट यू नो वंस इट्स क्रिएटेड। मतलब जैसे ही 2-3 दिन लगेंगे इसको जो है केवाईसी कंप्लीट होने में, दिखाता है पर हो जाती बहुत जल्दी, आपको 24 घंटे भी नहीं लगेगी आपकी केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया देखिए आधार कार्ड पैन जो है वेरिफिकेशन हो गया यहाँ पर, फिर वीडियो केवाईसी कॉल वेरिफिकेशन हो गया, और यहाँ पर आएगा फिर अकाउंट जनरेटेड। मतलब यहाँ से जैसे ये तीनों ऑप्शन आपके जो है फुलफिल होंगे, मतलब कंप्लीट होंगे, तो आपकी वीडियो केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे आपको यहाँ से अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है, और जैसे ही कंप्लीट होगी फिर आपको जो है अपना अकाउंट किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी आप जो है उसको वहां पर अटैच कर लोगे। तो अगर आपको जो है अपना फोन पे, गूगल पे से अटैच करना नहीं आता है या जियो पेमेंट बैंक को, तो वो बता देना मुझे, कॉमेंट कर देना, आपको वो भी बता दूंगा कैसे आप अपने जो है जियो पेमेंट बैंक को किसी भी यूपीआई आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अगर ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।